हेलो स्टूडेंट, आज आपकी हिंदी की क्लास है और इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण, इसका मीनिंग होता है हिंदी ग्रामर की बुक है ये। क्लास फर्स्ट हिंदी ग्रामर, उसका पार्ट चौदह हम लोग रीड करेंगे और मैं उसको आपको समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण का पार्ट 14, ये देखिए, उसका नाम है शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी, करेक्ट स्पेलिंग, मतलब आपको इसमें शुद्ध वर्तनी, यानी कुछ होते हैं अशुद्ध शब्द, वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग आप कुछ लिखने में गड़बड़ कर देते हैं, तो उनको करेक्ट किस तरह से किया जाता है वो इस चैप्टर में आपको समझाया जाएगा। देखिए, छात्र प्रायः शब्द लिखते समय अनेक भूल कर बैठते हैं जिनके कारण लेखन में अशुद्धियाँ आ जाती हैं। छात्र मतलब स्टूडेंट, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कोई भी वर्क लिखते समय, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, उसमें गड़बड़ कर देते हैं, भूल कर देते हैं लिखने में, तो उसके कारण हमारी जो राइटिंग में या हमारी जो लिखने में, रिटर्न वर्क में जो अशुद्धियाँ आ जाती है उसको कहा जाता है। क्या मतलब, उसमें प्रॉब्लम वो होती है कि वो गड़बड़ हो जाता है लिखना, उसका मीनिंग भी बदल जाता है और उसका लिखने का तरीका भी गलत होता है। तो नीचे कुछ अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। अब यहाँ पर कुछ अशुद्ध शब्द हैं और उनके शुद्ध शब्द भी दिए गए हैं। देखिए, अब जहाँ बच्चे लिखने में गड़बड़ करते हैं, जैसे हिंदी में मात्राओं की गड़बड़ हो जाती है, स्पेलिंग में कुछ वर्ड की गड़बड़ हो जाती है, जैसे जो आपके वॉवल साउंड होते हैं ई ए आई ओ यू, ये मात्राओं का काम करते हैं इंग्लिश में, तो इनमें जब गड़बड़ हो जाती है लिखने में तो ये अशुद्ध वर्तनी हो जाती है। अब हम इसको शुद्ध कैसे करेंगे, देखिए, आकाश, यहाँ क्या लिखा है, आकाश, अब यहाँ हमने उसको शुद्ध रूप लिखा उसका आकाश, तो यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा गायब है, ये देखिए वो यहाँ पर बच्चा लगाना भूल गया, तो ये आकाश हो गया। बोलने में भी आपको गलत, जैसे आप बोलते हैं आकाश, तो आकाश क्या इसका सही वो है शुद्ध रूप, आकाश गलत बोला जा रहा है ना, तो इसको हम शुद्ध रूप में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आकाश। वस्तु, अब इसमें देखिए, इसमें मात्रा की गड़बड़ है, इसमें आपके बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई जबकि वस्तु में छोटे ऊ की मात्रा लगाई जाती है, तो ये हमारा शुद्ध रूप है। श्रीमती, अब श्रीमती यहाँ पर देखिए किस तरीके से लिखा है, श्रीमती में त में छोटी ई की मात्रा ले गई है और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा, ये इसका शुद्ध रूप है। सखी, सखी में इधर छोटी ई की मात्रा है जबकि जो शुद्ध रूप होता है उसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है। कवि, यहाँ बड़ी ई की मात्रा लग रही है अशुद्ध रूप में और शुद्ध रूप में छोटी ई की मात्रा, तो ये हमारा इसका शुद्ध रूप है। फिर आपको इधर देखिए, चांद, चांद इस तरह से लिखा जाता है, नहीं, चांद पर हम लोग क्या लगाते हैं, चंद्रबिंदु, तो ये देखिए चंद्रबिंदु वाला जो लिखा हुआ है शब्द वो सही है, शुद्ध रूप है चांद का। अब वापस, वापस बोला जाता है क्या, वापस कर दो, वापस होता है सही शुद्ध रूप उसका। दिवाली, ये देखिए यहाँ बड़ी की मात्रा है, यहाँ छोटी की मात्रा है। अब इसी तरीके से देवी, देवी में यहाँ व में छोटी की मात्रा लगी हुई है जबकि यहाँ बड़ी की मात्रा, तो स्टूडेंट यहाँ पर इसमें कुछ अशुद्ध रूप शब्द दिए गए हैं और यहाँ उनका शुद्ध रूप यानी शुद्ध शब्द उनको करेक्ट करके लिखा गया है, यानी सही लिखा गया है, तो ये उसका शुद्ध रूप है। अब देखिए आपको यहाँ पर कितने सारे शब्द दिए गए हैं जिसमें बहुत स्त्री है, स्त्री देखिए स में कोई मात्रा नहीं लगती, स्त्री में आधा स होता है उसमें कोई मात्रा नहीं लगाई जाती है, इसका जो करेक्ट फॉर्म है लिखने का यानी जो शुद्ध रूप है वो है स्त्री, आधा स, त्रत्रिशूल का उसमें बड़ी की मात्रा। तो स्टूडेंट आप इस पूरे चैप्टर में यही सब देखेंगे कि कुछ अशुद्ध शब्द दिए गए हैं और उनका शुद्ध रूप किस तरह से लिखा जाना है वो इस चैप्टर में समझाया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुछ अशुद्ध शब्द होते हैं जिसे लिखने में गड़बड़ हो जाती है बच्चों के, तो वो उसका अशुद्ध रूप कहलाता है, और फिर हम जब उसमें करेक्शन कर लेते हैं तो वो उन शब्द में शुद्ध रूप में आ जाते हैं वो शब्द, तो यहाँ पर वो शुद्ध रूप दिया गया है। तो देखिए, अब इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज है वो मैं आपको फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में राइट डाउन करना है और अपना वर्क कंप्लीट करना है। थैंक यू।